नमस्ते, मैं रजत। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार में रुकने के लिए बेहतर लोकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हो, उसका लोकेशन क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, आप उसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे, वहां पे किस किस टाइप के कमरे भी अवेलेबल है और उन कमरों के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। यदि आप हरिद्वार में रुकने के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस खोज रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चीपेस्ट अकोमोडेशन या हरिद्वार का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे जरूर चेक करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के चीपेस्ट अकोमोडेशन के रिगार्डिंग में वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम के विषय में बात करेंगे। यदि इसके लोकेशन की बात की जाए तो ये मोतीचूर एरिया में पड़ता है। यदि आप हरिद्वार से नहीं है तो आपको इस लोकेशन के बारे में पता नहीं होगा, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक दे देता हूँ जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यदि स्टेशन से इसकी दूरी बताऊं तो ये 7.7 किलोमीटर पड़ता है और हर की पौड़ी से इसकी दूरी 3.3 किलोमीटर है, जिस जहां से आप बस या ऑटो के थ्रू यहां पे आसानी से पहुंच सकते हैं। लोकेशन काफी बेहतर है। अब बात आती है यहां पहुंच गए तो आप इसकी बुकिंग कैसे करवाएंगे। यात्रा धाम के द्वारा आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर यहाँ पे पहुंच के भी कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर किस किस टाइप के कमरे मिल जाएंगे। यदि आपको डबल बेड एसी कमरा चाहिए तो उसके लिए आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप ट्रिपल बेड एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप फोर बेड एसी कमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको 900 रुपया पे करना पड़ेगा और सिक्स बेड कमरा के लिए आपको 1200 रुपया पे करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे फूड की सर्विस चाहते हैं तो 80 रुपया में आप यहाँ पे भरपेट शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं। अब मैंने गूगल पे चेक किया था तो इस धर्मशाले पे 136 लोगों ने इसे रेट किया था और इसका ओवरऑल रेटिंग 4.3 है, मतलब काफी बेहतर रेटिंग है इस धर्मशाला की। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस लिखें जिससे औरों की मदद हो पाएगी। धन्यवाद।